एवरीवन, कैसे आप लोग? आई होप बहुत ही बढ़िया होंगे। मैं गीता वर्मा, गीता किनू लाइफस्टाइल में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और मेरे पास आ रही है बहुत सारी रिक्वेस्ट कि मैम पिंपल के लिए वीडियो बनाइए, हम पिंपल से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। टीनेज के बच्चे अक्सर परेशान रहते हैं पिंपल से। जब मैं टीनेज में थी तो मुझे भी बहुत पिंपल्स होते थे। मैं क्या क्या लगाती थी अपने पिंपल्स के लिए, और जो भी चीज़ें मैं लगाती थी ना, हर चीज़ का एक बेनिफिट है। ऐसा नहीं है कुछ भी उठाया और कुछ भी लगा लिया। बहुत सारी वीडियोस आप देखते होंगे कि पता नहीं क्या क्या दिखा देते, चाहे उसका तुक बनता है या नहीं बनता, चाहे वो उससे कुछ फ़ायदा हो नहीं हो, क्या से क्या मिला दिया, बस पैक बना दिया और आपको दिखा दिया। तो ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ आपने देखी होंगी, कोई रिजल्ट नहीं मिला होगा। पर जो पैक मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, एक एक इंग्रेडिएंट जो मैं इसमें ऐड करूँगी, सबका बेनिफिट है। कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं है जो आपके पिंपल पे असर नहीं दिखाएगा। जब सारी चीज़ें हम मिला देंगे तो वो मिलके बहुत ही अच्छा काम करती हैं। तो वीडियो को ज़्यादा नहीं खींचते, शुरू करते हैं और देख लेते हैं इस पैक को मैंने कैसे बनाया है और इसे यूज़ कैसे करना है। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बाउल ले लिया है जिसके अंदर सबसे पहले मैं ऐड करूँगी बेसन। बेसन आप जानते हैं रंग भी साफ़ करता है, साथ ही आपके पिंपल को भी बहुत अच्छे से सुखाता है। क्यों? क्योंकि ये जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल होता है वो सारा अब्जॉर्ब कर लेता है। इसके साथ मैं ऐड करने वाली हूँ नीम का पाउडर। नीम का पत्ता आप जानते हैं कीटाणुओं को मारता है, जर्म्स को मारता है। तो आपको क्या करना है, इस तरह का मार्केट का भी ले सकते हैं, पर मैं कहूँगी कि अगर घर का लेते हैं नीम की पत्तियों को सुखाकर उसका पाउडर बना लीजिए, नहीं तो नीम की पत्तियों को मिक्सी में पानी डाल के पेस्ट बना के भी ऐड कर सकते हैं। साथ ही मैं यहाँ पे चुटकी भर हल्दी ऐड कर रही हूँ। ये कसूरी हल्दी है, आप घर की भी हल्दी यूज़ कर सकते हैं। हल्दी भी एंटीबैक्टीरियल होता है, जर्म्स को मारने का काम करता है। साथ ही मैं यहाँ पे डाल रही हूँ मुल्तानी मिट्टी का पाउडर। मुल्तानी मिट्टी आप जानते हैं आपका जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो सारा ये खींच लेता है आपकी स्किन से, और हमारी स्किन ड्राई ना हो इन सारी चीज़ों से, इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा शहद डाला है। और शहद एंटीबैक्टीरियल का भी काम करता है। दो काम होते हैं, एंटीबैक्टीरियल और साथ ही आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करेगा। अब मैंने यहाँ पे लिया है फिटकरी। ये फिटकरी आप जानते हैं शेव करने के बाद फिटकरी क्यों लगाई जाती है, ताकि जो भी कट पड़ जाते हैं शेव करने के बाद वहाँ पे जो जर्म्स पैदा हो जाते हैं उन जर्म्स को मारने के लिए फिटकरी लगाई जाती है। तो ये भी एंटीबैक्टीरियल होती है। मैं यहाँ पे ये आपको किसी भी परचून की दुकान पे इजीली मिल जाएगी। इसका पाउडर बना के मैंने एक चम्मच इसमें मिला दिया है और ये बहुत ही अच्छा पैक तैयार होने वाला है। मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी, सबका क्या बेनिफिट है, क्यों मैंने यूज़ किया है। ये सारी चीज़ें जब एक साथ इकट्ठी होंगी तो ये बहुत ही अच्छा काम करेगी आपके पिंपल पे। आपका एक्स्ट्रा ऑयल जो है पिंपल पे वो सारा निकाल लेगी और उसे निकाल के आपके पिंपल के जर्म्स को मारेगी, सुखा देगी पिंपल को। इसमें मैंने थोड़ा सा गुलाब जल डाला है, पैक बना लेंगे गुलाब जल मिला के। और ये हमारा बहुत ही ज़्यादा अच्छा एंटी बैक्टीरियल, एंटी पिंपल, एंटी एक्ने, कुछ भी कह सकते हैं, फेस पैक बहुत ही अच्छा तैयार हो गया है। इसे आप यूज़ करिए, डेली यूज़ कर सकते हैं, एक दिन में एक बार, ज़्यादा नहीं, एक दिन में एक बार यूज़ कर सकते हैं। रात को आप पिंपल पे लगा के सो सकते हैं। तो आपने देखा जो भी इंग्रेडिएंट्स मैंने इस पैक में मिलाए हैं सारे एंटीबैक्टीरियल हैं। आपके जो जर्म्स है, जो बैक्टीरिया है जिसकी वजह से पिंपल हुआ है उसे ये किल करेगा, साथ ही जो पिंपल को ये सुखाने का काम करेगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी ऑयली स्किन होती है और ऑयली स्किन की वजह से उनको पिंपल होते हैं। तो इसमें ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपके तेल को निकाल देंगे, थोड़ी वहाँ पर ड्राइनेस कर देंगे। तो ड्राइनेस की वजह से जब ऑयल निकल जाएगा तो आपका पिंपल भी सूख जाएगा। तो जब एक्स्ट्रा ऑयल आपकी स्किन से निकलता रहता है तो आपके पिंपल्स होने के चांसेस कम हो जाते हैं। आपने बहुत सारी वीडियोस भी देखी होंगी, सुना भी होगा कि ऑयली स्किन वालों को पिंपल्स ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ऑयली स्किन वालों को क्या होता है, अक्सर तेल निकलता रहता है, और जब तेल निकलता है ना तो वहाँ पे गंदगी ज़्यादा चिपकती है, धूल मिट्टी बहुत कुछ चिपकता है। और जब गंदगी चिपकेगी तो वहाँ पे जाहिर सी बात है जर्म्स पैदा होंगे, बैक्टीरिया पैदा होगा, और उसकी वजह से हम लोगों को क्या होता है, पिंपल्स और एक्ने की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये जो पैक है जब आप इसे रेगुलर यूज़ करते हैं तो जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है ये सारा खींच लेता है, नौबत ही नहीं आती
ऑयल पैदा होने की, ऑयल निकलने की, ऑयल रिलीज होने की, जिसकी वजह से ना तो आपकी कोई डर्ट जमा होगी, ना कोई जर्म्स होंगे, ना कोई पिंपल होंगे। तो थोड़ा सा आपको खाने पे भी ध्यान देना है, ये तो ऑयल निकालेगा ही, साथ ही आपको ऑयली जंक फूड इस तरह की चीज़ें नहीं लेनी है। थोड़ा सा हेल्दी डाइट लेंगे तो आपके जो पिंपल्स हैं वो भी धीरे धीरे अंदर से ही निकलना कम हो जाएंगे। तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखें, इस पैक को यूज़ करिए, और साथ ही दिन में तो ये पैक यूज़ करेंगे ही आप। रात को क्या करना है, अब रात को पूरा फेस तो आप पूरे फेस पे तो पैक लगा नहीं सकते, आपको क्या करना है, जहाँ जहाँ आपके पिंपल है इस पैक को आप हल्का हल्का वहाँ पे लगा के रात को सो जाइए, ताकि ये जो पैक है वो रात भर आपके पिंपल पे असर करे, और सुबह तक जब आप देखेंगे तो आपका पिंपल बैठ चुका होगा, क्योंकि ये जो पैक है वो सुबह तक आप इस अपना असर दिखा चुका होगा पिंपल पे। तो एक दो दिन में ही वो पिंपल वहाँ से गायब हो जाएगा। आप लोग क्या करते हैं, दाग आपके कब पड़ते हैं, जब पिंपल को आप छेड़ते हैं, उस पे जो है पस निकालते हैं, तो वहाँ पे जब वो पिंपल सूखता है तो वहाँ पे दाग पड़ जाते हैं। तो ये चीज़, ये नौबत ही नहीं आएगी जब आप इसे पैक को लगाएंगे, खुद ब खुद आपके पिंपल को सुखा देगा और आपको उसे फोड़ने की या टच करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपके निशान भी नहीं पड़ेंगे। तो बहुत ही अच्छा काम करता है, ट्राई करिएगा। और ट्राई करने से पहले हमेशा एक चीज़ मैं बोलती हूँ कि हमेशा पहले एक पैच टेस्ट करें, और उसके बाद अगर आपको ये पैक सूट करता है तभी लगाएं। बहुत लोगों की स्किन सेंसिटिव होती है, कुछ चीज़ें उनको नहीं सूट करती हैं, तो वो लोग पैच टेस्ट ज़रूर करें, उसके बाद ही जो पैक है उसे अप्लाई करें। मैं आपको बिल्कुल भी लगा के नहीं दिखा रही हूँ, क्योंकि कोई फायदा नहीं है इसे मैं आपको लगा के दिखाऊं, क्योंकि मेरे एक भी पिंपल नहीं है, तो इसलिए मैं आपको इसे अप्लाई करके नहीं दिखा रही हूँ। आपके पिंपल है, आप इसे लगाइए, यूज करिए, और इसका जो रिजल्ट है वो मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और इसके बाद भी पिंपल्स के ऊपर मैं बहुत सारी वीडियो लेकर आने वाली हूँ। मैं जानती हूँ बहुत हमारी जो जनरेशन है टीनेज की, वो बहुत ज्यादा परेशान है पिंपल से, तो उसके लिए और भी बहुत सारी चीज़ें मैं बहुत सारे ट्यूब हो गया, क्रीम हो गई, बाहर के प्रोडक्ट्स हो गए, क्या यूज़ करना चाहिए, क्या नहीं यूज़ करना चाहिए, ये सारी वीडियोस मैं लेकर आने वाली बहुत जल्दी। तो इसलिए कमेंट करिएगा आप क्या देखना चाहते हैं, आपके एक एक कमेंट का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहता है। अच्छा लगता है जब आप लोग मुझसे सवाल पूछते हैं और मैं उसका जवाब देती हूँ, तो बहुत ही अच्छी फीलिंग होती है कि हाँ मुझसे कोई बात कर रहा है, मुझसे कुछ पूछ रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है। जब तक आप बात नहीं करेंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि हाँ आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरह के आपकी लाइक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और लाइक नहीं करेंगे तो फिर थोड़ा सा मैं डिमोटिवेट हो जाती हूँ, मेरा काम करने में मन नहीं लगता है, बिल्कुल भी मन अच्छा नहीं लगता काम करना। तो इसलिए लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेकर आऊँ। दूसरों के साथ शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा वीडियो कैसा लगा, या फिर किस टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हैं। तो फिर मिलती हूँ इस तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। टिल देन गुड बाय।